हेलो दोस्तों, एक रात की बात है। सलोनी अपने कमरे में अकेली सो रही होती है। ठंड का मौसम था। सलोनी रात को 9 बजे अपने घर का सभी काम खत्म कर तथा अपने ससुर प्रेमनाथ जी को खाना खिलाकर अपने बगल वाले कमरे में चादर ओढ़कर सो गई। सलोनी के पति कमाने के लिए बाहर गए होते हैं, जो साल में एक बार या दो बार ही अपनी ड्यूटी से घर आ पाते हैं। घर परिवार में सलोनी के पति सुरेश तथा ससुर प्रेमनाथ जी ही हैं। सलोनी की सास का 2 साल पहले ही देहांत हो चुका था। जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही होती है, वैसे वैसे ठंड और बढ़ती जा रही थी। सलोनी अपने को चादर में लपेट कर सो रही थी, पर ठंड इतनी ज्यादा होती है कि सलोनी को नींद नहीं आ रही होती है। ठंड के मारे सलोनी सिकुड़ कर सोई होती है, लेकिन ठंड किसी भी तरह कम नहीं हो रही होती है। तब सलोनी को अपनी सहेली की एक बात याद आती है कि जब ठंड लगना कम ना हो तो किसी के पास सो जाओ, इससे शरीर की गर्मी से ठंड कम होती है और फिर आराम से नींद आ जाती है। सलोनी ये बात याद करके कमरे में चली जाती है, लेकिन कमरे में अपना पति का या कोई और नहीं होता है जिसके पास जाकर सो सके। उधर ससुर प्रेमनाथ जी भी अपने कमरे में चादर में घुसकर सोए होते हैं। उन्हें भी ठंड बहुत लग रही होती है। उस समय रात के 1 बज रहे होते हैं, तभी सलोनी ससुर जी के कमरे में आती है और कहती है, ससुर जी आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो क्यों ना हम दोनों करीब आकर अपनी अपनी जान बचाएं। प्रेमनाथ जी कहते हैं, ठीक है बहू। सलोनी तुरंत ससुर और कहती है, अब आप निश्चिंत होकर सो जाइए, क्योंकि अब हमें ठंड उतनी ज्यादा नहीं लगेगी। पर ठंड तो ठंड होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है, दोनों को ठंड लगने लगती है। सलोनी अपने ससुर प्रेमनाथ को पकड़कर सोने लगती है। यह देखकर ससुर प्रेमनाथ को आश्चर्य होता है, पर वह कुछ नहीं बोलते हैं। पर वह धीरे धीरे प्रेमनाथ को पकड़कर सोने से ठंड कम होने लगती है, तो प्रेमनाथ जी को भी बहुत अच्छा लगता है। दोनों अब एक दूसरे को पकड़कर सोते हैं। ठंड तो कम हो जाती है और ससुर प्रेमनाथ को अब गर्मी का एहसास होने लगता है और बहू सलोनी को और जोर से पकड़कर सोते हैं। सलोनी भी बहुत अच्छा महसूस कर रही होती है। इतने दिनों बाद किसी मर्द की बाहों में सोने को मिला है। सलोनी उसके ससुर और जोर से खर्राटे लेने लगते हैं और कमर से लेकर पैर तक अपनी दोनों से चढ़कर सोते हैं। अब सलोनी पूरी तरह अपने ससुर प्रेमनाथ के आगोश में समा गई हो। अब धीरे धीरे सलोनी को भी यह बात समझ में आ रही होती है कि अब तो ठंड कम हो गई और बरसों की कमी अंदर ही अंदर परेशान करने लगी है। सलोनी के साथ इस सोने से ससुर प्रेमनाथ जी की ठंड भी भाग चुकी होता है। अब प्रेमनाथ जी के शरीर में इतनी गर्मी हो गई है कि क्या वह अपने कंट्रोल से बाहर हो रहे होते हैं और यह गर्मी उनके माथे में चढ़ने लगती है। उनका दिमाग सलोनी के साथ सलोनी की दुनिया में चला गया होता है। प्रेमनाथ जी भूल गए कि हो सकता है सलोनी उनके पास ठंड से बचने और उन्हें ठंड से बचाने के लिए उनके पास आई है। सलोनी को भी बहुत अच्छा लग रहा होता है और प्रेमनाथ को सलोनी चाहत की नजरों से देखने लगती है। प्रेमनाथ जी अपने दायरे के बाहर निकल रहे होते हैं और सलोनी को अपना बनाने लगते हैं। सलोनी के साथ उनके हाथों का स्पर्श और सोने के अंदाज से सलोनी भी समझ गई होती है अपने प्रति अपने ससुर प्रेमनाथ जी की बढ़ती चाहत और उम्र का एहसास। पर सलोनी यह सब होने अपने साथ अच्छा महसूस कर रही होती है। धीरे धीरे रात गुजरती है। रात की 2 बज गए होते हैं। अब तक सलोनी और उनके ससुर प्रेमनाथ जी को नींद नहीं आई होती है। पहले ठंड के कारण नींद नहीं आ रही होती थी, लेकिन अब गर्मी के कारण मन में चाहत की भावना, एक दूसरे के पाने की भावना सोने नहीं दे रही थी। अब आलम यह होता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। सलोनी अपने ससुर को मना नहीं कर पा रही होती है और ससुर प्रेमनाथ को लगता है कि बहू को भी अच्छा लग रहा है। यह भी कुछ नहीं कह रही ना रोक पा रही थी। यही अच्छा मौका है हमें एक हो जाने का। और ससुर प्रेमनाथ जी सलोनी को अपना बनाने में लग जाते हैं। ससुर प्रेमनाथ को अपनी वर्षों से तभी सारी इच्छाएं सलोनी के साथ पूरी करने लगते हैं। सलोनी को भी अपने पति से दूर रहे लगभग 1 साल होने वाला होता है। ससुर जी के साथ सलोनी आनंदित होने लगती है।
सलोनी अपने कोडो पूरी तरह अपने ससुर प्रेमनाथ जी को समर्पित कर देती है और प्रेमनाथ जी भी मन भर के सलोनी के साथ आनंद विभोर होते हैं, उतना ही खुश और आनंदित लगते हैं, दोनों बहुत ही गहराई में उतर जाते हैं, हद से ज्यादा। बेहद जकड़न है एवं चाहत चरम सीमा पर पहुंच जाती है। सलोनी और ससुर प्रेमनाथ दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और हाथ की सारी सीमाएं पार कर देते हैं और दोनों आनंदित होकर ही शांत होते हैं। आनंद के तूफान गुजर जाने के बाद सुकून की नींद लेते हैं। जब सुबह होने वाली होती है कि तब पड़ोस में मुर्गे के बोलना शुरू कर देते हैं। सलोनी उठकर जाने को होती है। प्रेमनाथ जी कहते हैं, ठीक है तुम जाकर घर का और सब काम कर लो सलोनी, मैं अब तक नींद पूरी कर लेता हूँ। सलोनी जाती है अपने कमरे में घर का काम करने लग जाती है, लेकिन सलोनी को नींद लगने लगती है क्योंकि वो रात भर अच्छे से सोई नहीं होती है। अब वह घर का सारा काम खत्म करके जैसे ही अपने बेड पर जाती है, उसे थोड़ी देर में गहरी नींद आ जाती है। सलोनी सो जाती है। जब नींद खुलती है तो शाम का 4 बज रहा होता है। जल्दी से उठकर अपने घर का सब काम करती है और अपने ससुर जी को जगाती है और दोनों खाना पीना खाते हैं और इसी तरह सलोनी और ससुर प्रेमनाथ जी की प्रेम कहानी चलती रहती। मन में हमेशा एक डर बैठा रहता है कि कहीं कोई गलती न हो जाए या किसी बात पर कोई नाराज न हो जाए। इस उधेड़बुन के बीच ससुर प्रेमनाथ जी सलोनी की सुनी गोद को हरा भरा कर देते हैं और आने वाले नए मेहमान का परिवार में स्वागत करते हैं। जब सलोनी का पति आता है तो उसे ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को स्वीकारना पड़ता है कि क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने जीवन साथी की जरूरतों को बहुत लंबे समय तक ना तड़पाए, अन्यथा वो कहीं और से पूरी होने लगती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट में जरूर बताइएगा और हमारी इसी तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।